हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय होम गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज का वीडियो मैंने ये समर की में आप अपने रोज़ प्लांट्स की केयर कैसे करें इसके ऊपर मैंने डाला है। बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि मैम एक रोज़ प्लांट के ऊपर डालिए। मेरे चैनल पे भी वैसे रोज़ प्लांट के 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देखें तो उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। फिर भी समर में आप अपने रोज़ प्लांट की कैसे देखभाल करें, मैं आपको इस वीडियो में इसके कुछ थोड़े से टिप्स बताऊंगी। और वैसे ही अगर आप समर में अपने रोज़ेस को रखेंगे तो आपके रोज़ समर्स में सुरक्षित भी रहेंगे और आपको जाड़ों में अच्छे फूल भी दे सकेंगे। समर के ही मौसम में देखिए मेरे ये रोज़ प्लांट में कितनी सारी बर्ड्स आ रही हैं। ये वाला पेड़ तो पूरा ही बर्ड्स से भरा हुआ है, ये इतनी सारी बर्ड्स हैं और इसमें रोज़ के फ्लावर्स भी देखिए लगे हुए हैं, लेकिन थोड़ा साइज़ जो है वो नहीं आता है जो जाड़ों में आता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन रोज़ तो ऐसा फ्लावर है कि वो हमेशा किसी भी साइज़ में हो वो देखने में सुंदर ही लगता है। तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसे जानकारी देती हूँ कि आप अपने प्लांट की केयर कैसे करें। लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन कीजिए प्रेस। तो सबसे पहले हमको जो रोज़ के प्लांट में देखना है गर्मी के दिनों में, अगर आपके प्लांट्स गमलों में हैं, जैसे कि लोगों के यहाँ आजकल ज़मीन नहीं होती है और हम लोगों को अपने जो प्लांट्स हैं वो गमलों में लगाने पड़ते हैं, तो सबसे पहले जो है अगर आपने गमलों में रोज़ प्लांट को लगाया है और वो धूप में है तो आप सबसे पहले अपने गमलों को छाया में कर दीजिए। ये सभी रोज़ देखिए ये जाड़ों में मेरे जो हैं ये धूप में थे, लेकिन अभी मैंने इनको शेड के नीचे छाया में लगाया है और जो है ये कितने ही बर्ड्स ऑफ फ्लावर दे रहे हैं। अब जो दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, तो जो इस तरीके की देखिए सूखी पत्तियाँ हैं, एक तो आप उन्हें तोड़ दीजिए और फिर अगर आपको देखिए इस तरीके की ये काली डंडी दिखाई दे रही है इसमें, ये जो है ये डाईबैक की समस्या का उत्पन्न कर सकता है, तो इस डंडी को भी हमको तोड़ करके हटा देना है या कि आप किसी कटर से इसको काट के और अलग कर दीजिए, तो इस तरीके से इसको भी हम हटा देंगे। अब हमको रोज़ प्लांट जो है वो एक हैवी फीडर प्लांट है, हमको पता है कि इसे फूड बहुत अच्छा और समय समय पे चाहिए, तो नेचुरल बात है कि हमें इसे गर्मियों में भी फूड देना होता है। फूड के लिए मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो वैसे तो कई चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन गर्मी के दिनों में देखिए सबसे अच्छा होता है ये रोज़ मील, रोज़ फूड या रोज़ मील के नाम से ये मैन्योर मिलता है। इसको मैं दो दो एक एक चम्मच जो है वो महीने में एक बार डाल देती हूँ। इसके अलावा इस मैन्योर को के अलावा आप जो केले के छिलके होते हैं उनको आजकल गर्मियों में खूब अच्छी तेज़ धूप निकल रही है तो उनको आप लोग जो है धूप में पूरा सुखा लीजिए, उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालिए क्योंकि उससे अक्सर फंगस आ जाती है। आप बनाना पील को खूब अच्छा धूप में सुखा लीजिए, जब वो काले हो जाएँ बिल्कुल टाइट तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसका चूरा भी रोज़ में रोज़ के प्लांट्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र जो कच्ची सब्जियों का होता है वो भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं अपने रोज़ प्लांट में जो डालने जा रही हूँ वो ये रोज़ फूड डालूँगी मैं सभी में। और जो आपको रोज़ फूड डालना है वो देखिए ऐसे साइड साइड से डालना है, ऐसे ये इसको आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, ये इस तरीके से इसमें ये हम जगह बनाएंगे। ये जगह हमने बनाई इसमें ऐसे, ये देखिए ऊपर कर दी मिट्टी। अब जड़ के पास हमको नहीं डालना है ये रोज़, इस तरीके से करके दो दो तीन तीन चम्मच, अगर बड़ा गमला है तो 3 चम्मच, छोटा गमला है तो 2 चम्मच इसमें डाल देना है, ये देखिए इस तरीके से हर गमले में हम डाल देंगे। ये गमला है इसमें भी डालेंगे हम इस तरीके से, इसका भी मिट्टी को ऊपर करके, और इसमें भी ये हम
रोज़ फूड डाल के और इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। इसको अगर आप रोज़ के प्लांट को खाना अच्छा नहीं देंगे तो फ्लावर्स नहीं आएंगे। बहुत नीचे नीचे जो पत्तियां हैं ना, इनको भी देखिए तोड़ दीजिए। ये अब पीली हो गई हैं, ये भी तोड़ दीजिए। ये जो हल्की सी गोल हो रही है ये भी, ताकि पौधे को थोड़ी सी हवा मिले। इस तरीके से कर दिया। अब जो एक काम हमको और करना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए रोज़ का जो प्लांट है हमारा, ये हाइब्रिड गुलाब का, ये अपने आप नहीं तैयार होता है। इसको देसी गुलाब की जो कलम होती है उसके ऊपर इसे जमा के और इसको प्रोपोगेट किया जाता है। तो अक्सर जो इसमें से जंगली सकर्स देखिए ये निकल आते हैं, ये सकर्स ज़मीन में से निकल रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, ये निकल रहे हैं। ये पौधे से अलग हैं और ये बड़े होते जाएंगे और ये खाना भी खाते रहेंगे। जो हम फूड देंगे वो खाते रहेंगे ये, और इनमें कुछ आएगा भी नहीं। तो इनको हमें जो है अपना कटर या कैंची, जिस चीज़ से भी काटें उसे साफ़ करके, इस समय मैं कैंची से काट रही हूँ, ऐसे करके इन्हें, और इन्हें हमें पौधे से बिल्कुल अलग करके और अपने इसको साफ़ कर देना है। अब देख, अब आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी पत्तियाँ हैं जो ये सूखी सड़ी हैं, ये इनको सबको निकाल दीजिए। अपने आप ही बर्ड्स, अब ये बर्ड्स जो हैं ये कह रही हैं कि इनको भी फूड चाहिए। तो ये अब जितना बचा हुआ है मेरा, ये सब मैं इस वाले पौधे में डालूंगी। ये वाला जो पौधा है इसमें डालूंगी, जिसमें से मैंने जो है अभी शक्कर निकाला है। इसको ज़रूरत है फूड की, क्योंकि इसकी कलियां छोटी हैं। ये देखिए, तो गर्मियों में भी इसको, प्लांट को आप हल्का सा फर्टिलाइज़र दीजिए जब तक छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, और बरसात के आते आते तक आप इसमें कोई भी मैन्योर डालना बंद कर दीजिए। जब वो तुरंत आपको जो काम करना है वो रोज़ में ये करना है, आपने क्योंकि फर्टिलाइज़र डाला है तो आपको करना ये है कि इसमें आपको तुरंत ही जो है वो पानी दे देना है, वाटर तुरंत देना है इसमें आपको, क्योंकि ये जो खादें होती हैं ना ये गर्म होती हैं, तो आपको इसमें पानी दे देना है। ये तो मैंने अपने सभी गमलों में देखिए एक एक दो दो मग पानी दे करके इनको पानी से बिल्कुल तर कर दिया है, क्योंकि दोपहर का समय धूप तो कम है, लेकिन अगर इसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो कोई भी खाद है तो उससे पौधे की जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से सफाई करके मैंने इसमें ये रोज़ मील का फर्टिलाइज़र डाला है। आप भी रोज़ मील का लाइए और इसको आप डाल सकते हैं, लेकिन टू मच मत डालिएगा, महीने में एक बार डालिएगा, बाकी आप बनाना पील का फर्टिलाइज़र डालिए। अब इसकी पत्तियों के लिए दिखाऊँ मैं, ये देखिए पत्तियाँ ये कैसी हो रही हैं, ये पत्तियाँ ठीक नहीं हैं, इनको भी जो है आप हटा दीजिए इस तरीके से। ये देखिए ये पत्तियाँ, इनको तो बाग में आकर के हम ऐसे ही देखते हैं अगर, तो मैं अक्सर ही जो है वो अपनी पत्तियों की ऐसे करके सफाई कर देती हूँ कि जो पत्तियाँ मुझे लगती हैं कि हाँ ये ठीक नहीं है और ये औरों में भी ये रोग फैला सकती हैं, उन्हें मैं कट कर देती हूँ। ये वाली बड भी देखिए छोटी है लेकिन कितनी प्यारी आ रही है, ये देखिए। और ये ऐसे ही बहुत सारी भरी हुई हैं, ये देखिए छोटी छोटी, साइज़ छोटा हो गया है लेकिन बड़ा प्यारा रोज़ आ रहा है। इसमें अभी मैं बनाना पील का फर्टिलाइज़र भी डाल चुकी हूँ, फर्टिलाइज़र नहीं सॉरी, ये बनाना पील जो है वो सुखा करके उसका जो काला पेस्ट बनता है वो भी अपने रोजेज में डाल चुकी हूँ। तो गर्मियों में भी देखिए मुझे 10-12-15 हर एक गमले से फ्लावर्स मिलते रहते हैं, लेकिन अब जब बरसात शुरू होगी तो मैं इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र देना बंद कर दूंगी और इनको ऐसे ही रेस्ट करने दूंगी, और इनको रूट रॉट से बचाने के लिए शेड में रखूंगी ताकि पानी ना इनमें भरे। इनका ड्रेनेज होल चेक करूंगी, फिर जाड़े में बरसात के बाद अक्टूबर में हार्ड प्रूनिंग करके और इनको जाड़े के लिए तैयार करूंगी। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो
समर में रोज़ प्लांट की केयर के ऊपर है। ये टिप्स अगर आपको अच्छे लगे हों तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय। हैप्पी गार्डनिंग।